वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग्स विद आरके। और काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मुझसे नए जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने नए सब्सक्राइबर को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है खुशबू और मैं यहाँ पटना में रह रही हूँ। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है और जिसपे मैं अपनी डेली लाइफ, कुकिंग रेसिपी और बाकी प्रोडक्ट रिव्यू ऐसे कुछ कुछ शेयर करती हूँ। तो थैंक यू, आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, मेरे ब्लॉग्स को काफ़ी पसंद कर रहे हो, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बाकी आज डेट है 5 दिसंबर है आज, और डे सैटरडे है। मैं ये जो ब्लॉग है इवनिंग से शुरू कर रही हूँ, सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आप समझ सकते हो छोटे बच्चे के साथ कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो जस्ट अभी मैंने मतलब झाड़ू लगाई है, शाम को भी चेरी ने जो है, चेरी मेरी बेटी है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फैला दिया था। एक्चुअली उसको हम कुछ खिला रहे थे तो उसने वो सारा यहाँ फैला के रखा हुआ था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा एक बार लंच वगैरह फिनिश हो जाए, फिर बाद में मैं बर्तन वगैरह सब कुछ धो के लास्ट में झाड़ू लगाऊंगी, जिससे फिर वो साफ़ भी रहता है। तो बस मैं जस्ट अभी झाड़ू लगा के मैंने झाड़ू लगाई है, तो क्लीनिंग सारी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। और मुझे आज कुछ बनाना है स्पेशल, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये एक्चुअली मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा आप लोगों के सामने बनाऊंगी। और बाकी चेरी और उसके पापा दोनों सो रहे हैं, उसके बाद ही मेरे सारे काम फ्री हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आपने चेरी भी सो गई है, ये भी सो गए हैं, दोनों ही सो गए हैं। चेरी को सुबह से नींद थी, उसने नहाने के बाद वो सोई नहीं, 15 मिनट सोई होगी, उसके बाद वो सोई नहीं, आँखों में नींद थी। और मैं और ये हम दोनों ने ही उसको ट्राई किया कि वो सो जाए, बट वो नहीं सोई। फिर मैंने सोचा अब खाना वगैरह से फ्री होके उसके बाद फिर से देखूँगी, तो बस खाना वगैरह खा के उसके बाद मैंने उसको फिर से ट्राई किया, तो जैसे तैसे करके वो सो गई है। तो फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करने आ गई, बर्तन धो के रखे मैंने, थोड़े ही बर्तन थे वो सारे वॉश करके रखे। और आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ इवनिंग के टाइम में गुलाब जामुन, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, पता नहीं कैसे बनेंगे। और जो रेसिपी है वो मैंने मम्मी से पूछी है, मेरी मम्मी हलवाई हैं भाई, वो तो सब कुछ बना लेती हैं मेरी मम्मी, और मम्मी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाती हैं। एक्चुअली मेरे घर में गाय है तो दूध भी काफ़ी होता है, मम्मी घर में ही खोआ बना लेती हैं, और फिर कभी गुलाब जामुन, कभी जो है रस भरी गुजिया जो होती है वो सब बनाती रहती हैं वो। तो बस मैंने सोचा मैं भी इस बार ट्राई करती हूँ, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कैसे बनते हैं, तो फिर मम्मी ने मुझे बता दिया है, तो देखती हूँ मैं बना पाती हूँ या नहीं, या फिर कैसे बनते हैं। और जो खोया था वो ये है खोया, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं लाइफ में, मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, जैसे भी बनेंगे आप लोगों के सामने हैं। और लाइफ में सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें जैसे जैसे टाइम मिले, है ना। हम तो बस मेरा कल एकदम से मन हुआ कि दूध बहुत सारा है, क्यों ना मैं इसका खोया बना के गुलाब जामुन ट्राई करती हूँ, तो बस मैंने कल खोया बना के फ्रिज में रख दिया था। और अब जाके मैं फुर्सत हुई हूँ तो अब मैं बनाती हूँ गुलाब जामुन। रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से पूछी है, तो जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो चलिए फिर करते हैं प्रोसेस को स्टार्ट। और यहाँ पे जो खोया मैंने रेडी किया था वो ले लिया है, 200 ग्राम के अराउंड है ये, और काफ़ी अच्छा बन गया था मैं ये खोया। और मैं इसमें जो है अब मैदा मिलाऊंगी, 2 से 3 चम्मच मैदा मिक्स करनी है इस खोए में, और बहुत अच्छे से इसको गूंदना पड़ता है। तो बस मैं जो है खोया और मैदे को काफ़ी अच्छे से गूंद लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
गलती कर दी, मैंने खाने वाला सोडा जो है मैदे में मिक्स नहीं किया, और मुझे अब याद आया तो मैं यहाँ पे ये दो चुटकी मैंने लिया खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर, मैं इसको दो चुटकी लेके और अब पूरे जो मैंने खोया और मैदे को गूंदा था उसी तरीके से अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से थाली को उल्टा करके यूँ बना लिया है, जिससे कि मेरे जो हैं सारे एक जैसे बनेंगे। और अब मैं इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बॉल्स हैं वो बना के रख लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये मेरा तेल गरम हो रहा है हाई फ्लेम पे, और ये जो सेक जब मैं इनको डालूंगी तो फिर मैं इनको लो फ्लेम कर दूंगी। तो अभी तेल गरम हो रहा है, तक मैं कर लेती हूँ चाशनी की प्रिपरेशन। उसके लिए मुझे एक अमाउंट जो आपने चीनी का लिया है उसका हाफ अमाउंट आपको पानी डालना है और उसको अच्छी तरह से पकाना है। जैसे मैंने अगर दो बड़े ग्लास चीनी ली है तो मैं सिर्फ उसमें एक ग्लास, वही सेम जो है मेजरमेंट रहेगा, और मैं उसमें हाफ ग्लास जो सॉरी एक ग्लास जो है पानी डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैं चाशनी बनाने वाली हूँ। ये ले लिया मैंने इसमें उतनी ही क्वांटिटी में पानी। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है इस कढ़ाई में तेल गरम, और ये यहाँ पे बन रही है चाशनी। तो जब तक ये दोनों थोड़े बहुत रेडी होते हैं तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं वो मैं धो लेती हूँ। काम जो है साथ के साथ निपटाते रहो तो किचन फैलता नहीं है। तो बस जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर। तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, मैंने गैस को जो है सिम कर दिया है, और यहाँ पे चाशनी भी पक रही है। तो चलिए कर देते हैं श्री गणेशाय नमः। कैसे बनेंगे नहीं पता है। 1 2 3 सेकेंड लॉट मैंने डाल दिया है। होप सो ये ठीक बने, क्योंकि
इनका तो हो गया कांड। अब कोशिश करती हूँ ये वाले ठीक बन जाए। मैंने गैस बिल्कुल स्लो करी हुई है और मतलब मैंने तेल का टेम्परेचर कम कर दिया था बिल्कुल। अब ये धीरे धीरे पकेंगे और एक जो प्रॉपर वाला ब्राउन ब्राउन सा कलर होता है ना, मैं वो चाहती हूँ। तो भगवान प्लीज़ वो वाला कलर आ जाए। चलिए देखते हैं। और चाशनी भी बन गई है। मैं इसमें इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी इसमें इलायची फटाक से कूट के डाल दी है। और फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी इस छोटे वाले बर्तन में, इस वाले में। तब तक ये बनते हैं, कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कलर प्रॉपर आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। बस ये ऑलमोस्ट कलर आ गया है। मैं इनको हल्का सा और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको हटा दूंगी। और कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है जैसा मुझे चाहिए था। अब ये सॉफ्ट हैं या नहीं वो आगे पता लगेगा। चलिए देखती हूँ। जो भी होगा इन गुलाब जामुन के साथ सब शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ये हो चुके हैं। अब ये इनका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। और इनको पहले मैं एक नॉर्मल टिश्यू पेपर पर निकालूंगी, उसके बाद मैं इनको शुगर सिरप में मतलब जो चाशनी है उसमें डिप करूंगी। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं कैसे बने होंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था। अच्छे बने होंगे तो फिर मैं फिर से ट्राई करूंगी, और अगर खराब बने होंगे तो भी ट्राई करूंगी, क्योंकि भाई सीखने हैं मुझे इस बार गुलाब जामुन बनाने। क्या कहते हो, निकाल लूं इन्हें? चलिए फिर निकाल लेती हूँ। ये देखो इस तरीके का आई है। और ये जो आप हरा हरा देख रहे हैं, एक्चुअली मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी तो मैंने फटाफट से फिर कूट के ऐसे ही डाल दिया था। जस्ट फ्लेवर चाहिए तो फ्लेवर तो चाशनी में आ ही गया होगा। तो बस अब मैं एक एक करके सारी चाशनी में जो है ये वाले गुलाब जामुन डाल देती हूँ। और उठाने से तो लग रहा है गाइज ये काफी सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करना। और बाकी बताती हूँ खाने के बाद ये कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने गुलाब जामुन बना लिए हैं, काफी अच्छे बने थे। जो फर्स्ट वाला लॉट था वो मेरे मतलब एक तरीके से जल गए हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक हो गए थे और थोड़े से हार्ड भी हैं बाहर से। देखो जो है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो जो मेरा फर्स्ट लॉट था वो काफ़ी बाहर से थोड़े से जो हार्ड हो चुके थे और दिखने में भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो गए थे, जो कि मुझे भी नहीं चाहिए और किसी को भी इस तरीके के पसंद नहीं होंगे। और जो सेकंड लॉट था वो मैंने काफ़ी ध्यान से बनाया। जो गलती मैंने फर्स्ट टाइम की वो मैंने सेकेंड टाइम नहीं दोहराई। और जो सेकेंड वाला था वो मेरे काफ़ी अच्छे बने हैं, आप लोगों ने देख ही लिया। उनका कलर बहुत प्यारा आया है और खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। तो मेरे जो एक्सपेरिमेंट था वो तो पास हो गया। सीखने का मन है तो प्लीज़ यार उसको कभी ना कभी सीख ही लो, क्योंकि जिन चीज़ों का आपका मन होता है ना वो काम कर लेने चाहिए, अगर वो काम अच्छे हैं और फायदे के हैं तो, है ना। सब कुछ आना चाहिए जैसे मैंने पहले भी बोला। बाकी
ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल याद से जहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको टैप कर दीजिए, और उसके बगल में घंटी का बटन है वो भी जरूर से दबा देना, जिससे कि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाकी मिलती हूँ फिर एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지